Assalamu alaikum class, my name is Muhammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. Beta, after the completion of Aptitude Maths, मैं अब इंटरमीडिएट की मैथ्स अपने यूट्यूब चैनल को पढ़ाने का आगाज कर रहा हूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह सेकंड ईयर मैथ्स से कर रहा हूँ. साथ साथ फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक्स डालता रहूंगा, बट मेजॉरिटी टाइम्स मैं अपना सेकंड ईयर मैथ्स को दे रहा हूँ. अच्छा, अगर आप पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली दफा अपनी समातों के अंदर इस आवाज को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको हाशिम जिया का मोहब्बत भरा सलाम. मेरा नाम हाशिम जिया है. अगर मैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं, मैं एनआईटी के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं थर्ड ईयर का. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट के कुछ सालों से पढ़ाने का बहुत शौक रहा, पैशन रहा, जिसकी वजह से मैं कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर टीचिंग करता रहा हूँ. मैं इंटरमीडिएट मैथ्स, एप्टीट्यूड मैथ्स, क्रैश क्लासेस, काउंसलिंग क्लासेस, सब चीज़ें लेता रहा, जिसकी वजह से मेरे कई स्टूडेंट इस वक्त नस्ट के अंदर, एनडी के अंदर, दाऊद और केयू वगैरह में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं. अगर आप मेरा एप्टीट्यूड रिलेटेड वर्क देखना चाहते हैं, या आप अगर मेरे बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, या आप अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज देखना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के ऊपर मेरी पुरानी वीडियो जो कि एप्टीट्यूड मैथ्स के रिलेटेड वीडियोज होंगी, उनको जाकर एक बार व्यू जरूर कर सकते हैं. आपको अंदाजा हो जाएगा मैं किस लेवल की टीचिंग करता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, और अल्लाह ने थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज दी है या थोड़ी बहुत जो मुझे स्किल्स दी है, वो मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को बांटना पसंद करता हूँ, किस तरीके से मैं पसंद करता हूँ कि मेरे तालिबे इल्म आगे बढ़े और मैं उनके लिए काम करता रहूं. तो ये तो मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, ये बेसिक सी मेरे बारे में बात हो गई. मेरा बेटा, ये हमारी इंटरमीडिएट मैथ्स के ऊपर पहली वीडियो होगी या सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर. जिस तरह मैंने कहा मैं सेकंड ईयर मैथ्स को प्रॉपर अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूं, वो सेकंड ईयर मैथ्स जो कि आप पैसे देकर अपने फलाना कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे, फलाना कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने एप्टीट्यूड मैथ्स अपने चैनल के ऊपर पढ़ाई, वो एप्टीट्यूड मैथ्स जो कि कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस 50,000 रुपए लेके पढ़ाते थे और इतना अजीब सा पढ़ाते थे, मैंने वो पूरी की पूरी, हालांकि मैं उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का टीचर हूँ, मैं उन्हीं इंस्टीट्यूट में टीचिंग करता हूँ, बट स्टिल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, ताकि आप पैसे कोई भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ईजिली वहाँ से प्रॉपर लेक्चर्स ले और उसकी तालीम हासिल करे. उसी तरीके से आज अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं सेकंड ईयर मैथ्स को ऊपर कदम रख रहा हूँ, सेकंड ईयर मैथ्स को पढ़ाने का आगाज करूंगा. तो सेकंड ईयर मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए. मेरा बेटा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मेरा बेटा अगर हम उससे पहली दफा पढ़ रहे हो, मेरा एक बड़ा मशहूर जुमला होता है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो, चाहे वो एप्टीट्यूड के हो, या बच्चा मुझसे आईबीएसआईटी क्लासेस ले या नसाइट के लिए ईकेट की तैयारी कर रहा हो, मैं उससे हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो और आप उस अपने पर्टिकुलर एग्जाम में एस करना चाहते हो, ये अपने पर्टिकुलर एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हो, आपको अपने उस एग्जाम की कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि आपका एग्जाम किस तरीके से पेपर में आएगा और किस तरीके से नहीं आएगा. ये जो वीडियो लेक्चर है सेकंड ईयर के पेपर पैटर्न के ऊपर है. आईगेसी पेपर पैटर्न आपने बहुत बार देखा होगा, आईगेसी पेपर पैटर्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा. तो सर फिर इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे हैं, अगर हमने ये पेपर पैटर्न पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है, तो फिर हमें तो मालूम है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, आपको नहीं मालूम. आपने हो सकता है अपने जिस भी फलाना मशहूर जमाना टीचर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करी हो या मैथ्स के बारे में इल्म हासिल किया हो, सकता है आपने ना तो पेपर पैटर्न पढ़ा हो और ना ही आपने तरीके से इसको समझा हो कि इसमें होता क्या है. मेरे नजदीक हमेशा टीचिंग का आगाज बच्चे को कोर्स आउटलाइन पढ़ाने से करना चाहिए. तो आज की हमारी पहली वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर पैटर्न के नाम होगी, एंड देन फिर इस कमिंग वीक से इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉपर बारी बारी, यानी एक्सरसाइज 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, देन चैप्टर 3 या चैप्टर 4 एंड सो ऑन, यानी कि पूरी सेकंड ईयर मैथ्स में इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा रहा हूँ. तो सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने क्या कहा, आपने इस पेपर पैटर्न को देखा तो होगा, समझा तो होगा, मगर कभी आपने इस तरीके से नहीं समझा होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं या इसके बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसको तरीके से पता ही ना हो कि भाई उसका पेपर पैटर्न क्या है क्या नहीं है. अच्छा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि भाई पेपर जो आपका मैथ्स का आएगा कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का. सर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, सर आपने इतने हमारे 5 मिनट जाया कर दिए 100 मार्क्स से बताने के. सर ये तो हमारे वैसे ही पता था कि मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स ही आएगा, सर इसमें क्या आपने मशहूर बात कर दी. तो मेरा बेटा आइए जरा आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा. हमारे पास पहला सेक्शन जो आ रहा होगा सेक्शन ए होता है, जिसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं. क्या आते हैं मेरा बेटा, एमसीक्यूज. अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता था, ये आपने क्या कमाल की बात करी एमसीक्यूज. तो आइए मेरा बेटा अब जरा हम एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास सेक्शन ए किस चीज का आता है मेरा बेटा, आता है एमसीक्यूज का.
आपके जो भी मशहूर जमाना टीचर होंगे या आपकी फलाना ट्यूशन वाली बाजी जिनसे आपने मैथ्स सेकेंड ईयर मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करी होगी या फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ी होगी या आपके बड़े बहन भाइयों ने पढ़ी होगी, तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा सेक्शन ए में क्या होते हैं एमसीक्यूज एंड देन वो सेक्शन बी में बढ़ गई होंगी। मैं ऐसा नहीं करने वाला, हम जरा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 20 मार्क्स के लिए, यानी कि 20 एमसीक्यूज होंगे और आपको 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होंगे। मेरा बेटा आइए जरा पहली दफा मैं आपको इस सेक्शन ए की हकीकत बता देता हूँ। ये सेक्शन ए वो सेक्शन होता है जहां पे कराची की मेजॉरिटी आवाम या एक टोटल एक बहुत ज्यादा बच्चा जहां पे अपने मार्क्स गवाता है, जहां पे एक मेजॉरिटी आवाम इन मार्क्स को लॉस करती है। क्या आपको, चलिए मैं जरा सेक्शन ए के अलावा एक बात पहले आपसे कर लेता हूँ, क्या आपको इस बारे में अंदाजा है कि इंटर के अंदर आपकी 1% कितने मार्क्स पे बनती है? मैं आपको बता देता हूँ, इंटर के अंदर आपकी 1% 5 to 6 मार्क्स पर बनती है, यानी कि 5 मार्क्स के ऊपर अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 मार्क्स के ऊपर आपकी इंटर में 1% बन रही होती है। कितने मार्क्स के ऊपर? 5 मार्क्स के ऊपर। सर क्या मतलब 5 मार्क्स के ऊपर? मेरा बेटा मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने इंग्लिश के अंदर 70 मार्क्स गेन करे तो इसका मतलब 100 में से 70 कितने हो गए? 30 मार्क्स लॉस करे। 30 मार्क्स का मतलब कि अगर 5 मार्क्स पे परसेंटेज बन रही है तो हमें 6% खाली इंग्लिश के मार्क्स इंग्लिश के पेपर में गवा दिए। सर ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई थी, तो मेरा बेटा मैं इसीलिए आपको डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या एडवांटेजेस हैं आपके पेपर पैटर्न के। इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जरूर एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी बात सुन के जाइएगा। अगर आपको बोरिंग लगती है बात या अपने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट समझते हैं तभी मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ी सी बात जरूर सुन के जाइएगा, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। कहने का मकसद क्या है कि इंटर के अंदर आपकी 5 मार्क्स के ऊपर 1% होती है, तो हमारी मेजॉरिटी आवाम जो सेक्शन ए में करके आती है वो ऐसा ना तलाफी नुकसान करके आती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये सेक्शन है एमसीक्यूज का। अगर मैं आज अभी आपसे पूछूं कि आज से पहले के बोर्ड के एग्जाम में आपने एमसीक्यूज कैसे क्लियर करते थे तो आप में से मेजॉरिटी अवाम का एक आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सर वो जो हम सेक्शन ए के एमसीक्यू ऐसे पढ़ते थे कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे ना उससे 4 दिन या 5 दिन पहले हम अपने मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर की किताब से उठा के एमसीक्यूज को याद करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से सर हम सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज पढ़ते थे और सर मैथ्स में मेरे मैट्रिक के अंदर 90 मार्क्स आए थे सर उन एमसीक्यूज को याद करके। तो मेरा बेटा आपने 10 मार्क्स फिर भी लॉस्ट करे हुए। खैर मैं इसके ऊपर ही बाद में डिस्कस करूंगा कि मैट्रिक में क्या डिफरेंस है और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, मैं इसको भी बहुत डिटेल में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। कहने का मकसद क्या है कि सेक्शन ए वो सेक्शन होता है जो कि हमारी मेजॉरिटी अवाम पेपर से 3 या 4 दिन पहले उठा के स्टडी करने की कोशिश करती है। देखो मेरा बेटा 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का मतलब क्या है? 4%, यानी कि 5 मार्क्स पर 1% 4%। तो हर पेपर, मैं सिर्फ मैथ्स का डिस्कस नहीं कर रहा, मैं दूसरा भी बता देता हूं। अगर मुझसे पूछोगे, मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरे स्टूडेंट कामयाब हो, तो मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिलेट कर सकते हो, यानी कि हर पेपर में 4% खाली आपके एमसीक्यूज के होते हैं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स इस तरीके से लॉस करते आ रहे हो आज तक, तो सोचो अपनी कितनी परसेंटेज गवाते आ रहे थे और गवाने का शौक रखते हो आप लोग। यानी कि वो एमसीक्यू जिसको आप अभी टाइम ही नहीं देते, या जो आप नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो, या थ्योरेटिकल पेपर तो आप इजीली अटेम्प्ट करते हुए जा रहे होते हो, सेक्शन बी सेक्शन सी तो इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो, मगर सेक्शन ए के अंदर 4 या 5 मार्क्स आप नाजमी गवाते ही गवाते, सोचो हमने कितनी परसेंटेज यहाँ पे लॉस करते हुए जा रहे थे। मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया मैं एक एप्टीट्यूड टीचर भी हूँ, 2 साल के बाद या 1 साल के जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे जो एप्टीट्यूड के रिजल्ट आते हैं ना, बच्चा बैठकर वहाँ पे रो रहा होता है, सर मेरी अगर इंटर में 1% ज़्यादा होती सिर्फ एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाती, सर मेरी इंटर में 1% ज़्यादा होती तो CIS मिल जाती, सर 1% से सर NUST के अंदर एडमिशन नहीं हो सका। तो मेरा बेटा ये परसेंटेज में मैटर करती है, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आपके लिए बहुत मैटर करती है। कल को जब यूनिवर्सिटी साइड पर जाते हो वहाँ पर बच्चा रो रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे NET NUST दाऊद वगैरह मौजूद हैं, तो मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है। इसलिए आज अगर जब इंटरमीडिएट मैथ्स को पढ़ाने का आगाज कर रहा हूं तो इस बात को लाजमी स्टूडेंट को बताना पसंद करता हूं कि भाई ये सेक्शन ए वो सेक्शन है जहां पे मेजॉरिटी आवाम अपने मार्क्स गवाती है, क्योंकि अच्छा बच्चा जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ऑब्वियसली सी बात है सेक्शन बी और सी की तो तैयारी करके जाता है, मगर एमसीक्यू उसकी तैयारी नहीं करता। पता नहीं क्या सोचा हुआ होता है इसने कि एमसीक्यू शायद अल्लाह की गैबी मदद से सॉल्व हो जाएंगे, या फिर अल्लाह मियाँ की खसूसी नेमत होगी उसके लिए सेक्शन ए कि वो इजिली सॉल्व कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता। अल्लाह के बंदो 5 मार्क्स की 1% सोचो अगर तुम मजाक मस्ती के अंदर 14-15 एमसीक्यू सही करके आ रहे हो, 6 मार्क्स अगर गवा रहे हो, यानी कि तुमने 1% छोड़कर आ रहे हो वहां पे, और ये 1% आज तुम्हें फायदा तुम्हें नहीं पता चल रहा कितनी इंपॉर्टेंस की यहां मिले। कल को जब तुम एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर जाते हो एप्टीट्यूड साइड पे जाते हो वहां पे बैठ के लड़के और लड़कियां रो रहे होते हैं सर 1% 1 मार्क्स खाली अगर मेरे पास होता तो सोचो कितने मार्क्स तुम अपने सिर्फ सेक्शन ए में गवाते हो।
मैं 100% श्योरिटी कर सकता हूँ इस तरीके से कभी भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि सेक्शन ने कितना इंपॉर्टेंस कहाँ मिले। तो सर क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है आपके पास? सर ये तो आपने मंजन करा दिया हमें, अब हो सकता है आपके जहनों में आ रहा हो सर ये तो आपने भी लंबी वीडियो को लंबा करने के लिए इतनी बड़ा सा भाषण दे दिया, तो सर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल मेरा बेटा, इसका बिल्कुल सोल्यूशन है। दुनिया में मेरा बेटा एमसीक्यूज आने के दो तरीके होते हैं, दुनिया में एमसीक्यूज आने के दो तरीके होते हैं। नॉर्मली ये जो एमसीक्यूज आते हैं दो तरीकों से आते हैं, इनका रेशियो होता है 60% और 40%। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा दुनिया में एमसीक्यूज आने के हमेशा दो तरीके होते हैं, या फिर इंटरमीडिएट में एमसीक्यूज आने के दो तरीके होते हैं, 60% वेटेज एंड 40% वेटेज। मैं मैथ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, और ये तमाम आपके दूसरे कोर्सेज में भी अप्लाई हो सकता है। ये 60% जो एमसीक्यूज आपके पास, यानी कि 20 में से 60% जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे, 20 एमसीक्यूज, 60% यानी कि 14 या 13, ये नॉर्मली 60% एमसीक्यूज वो होते हैं जो कि आपके कोर्स रिलेटेड होते हैं। अच्छा सर, कोर्स रिलेटेड एमसीक्यूज का क्या मतलब है? मतलब ये कि जो क्लास के अंदर आप पूरा साल अटेंशन होकर अपने लेक्चर्स को लेते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे होते हैं, उन एक्सरसाइजेस के अंदर छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या छोटे छोटे जो फॉर्मुलाज होते हैं या छोटी छोटी जो बातें होती हैं, उनसे 60% क्वेश्चंस बन रहे होते हैं एमसीक्यूज के। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, आपसे एक लाइन दी जाएगी, कहा जाएगा उसको डिस्टेंस मालूम करो। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपसे कह दिया जाएगा छोटा सा कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल के दिखा दो, या चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव का एक छोटा सा पार्ट दिया जाएगा, कहा जाएगा डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, बच्चा आप चूंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, पता नहीं बच्चे को क्या खौफ होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से। मैं अपनी ज्यादा मुंह से बड़ाई नहीं करता, अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करता, सिर्फ इतना कहता हूं एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके, वीडियो में जाके मेरी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरीके से एप्टीट्यूड के बच्चों को एतमाद हासिल किया है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाकर। तो ऑब्वियसली जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, अल्लाह ने थोड़ी बहुत नॉलेज दी, उस नॉलेज को बांटना पसंद करता हूं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर चलता हूं, और बहुत इजी लेक्चर्स होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। कहने का मकसद क्या है कि 60% जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं ये किस चीज के ऊपर आ रहे होते हैं? आपके कोर्स रिलेटेड, यानी कि वो छोटे छोटे टॉपिक जो नॉर्मली क्लास में टीचर करवा रहा होता है। अच्छा टीचर भी दो तरह के होते हैं भाई, एक मोहल्ले वाली बाजी होती है जिनसे आप 400-500 रुपये देकर पढ़ रहे होते हो, उनके पास अल्लाह के वास्ते कॉन्सेप्ट्स नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, या अगर आप किसी ढंग के टीचर से पढ़ रहे हो तो नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट्स देता रहता है। देखो एक स्टूडेंट कामयाब उस वक्त होता है जब स्टूडेंट भी अपनी सिंसियरिटी शो करे और टीचर भी अपनी सिंसियरिटी शो करे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह थ्रू आउट दिस लेक्चर वीडियोज या थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर वीडियोज आप मुझे अपने लिए सिंसियर पाएंगे। मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि ना सिर्फ बच्चे को गाइड करता हूँ, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग में आपको हमेशा लेक्चर मिलेगी। मैं ओपनली अपने बारे में कहता हूँ कि यार मैं ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी फिजिकल क्लासेस वाला मोमेंटम बरकरार रखने का हुनर जानता हूँ, इसका अंदाजा आप मेरी एप्टीट्यूड रिलेटेड वीडियो से कर सकते हैं इजिली। कहने का मकसद क्या है, जो एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर दो तरीके से आते हैं, एक 60% एक 40%। 60% कौन से एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या छोटे छोटे फॉर्मूला या डेफिनेशंस या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आपके इन 60% में आते हैं, और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो होता है उन 60% को तो इजीली सॉल्व कर लेता है। सर क्या मतलब है आपका? मेरा बेटा अकल से सोचो, अगर आप एक अच्छा बच्चे हो, अगर आप पढ़ने वाले हो, आपको थोड़ा बहुत इल्म का शौक है, आप इंटरमीडिएट में थोड़े बहुत मेहनत करते हो, यानी कि मेहनत कर रहे हो, आप पास पेपर भी सॉल्व कर रहे हो, काम भी कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली सी बात है सेक्शन बी और सेक्शन सी तो आप इजीली क्लियर करोगे। कहां फंसोगे? एमसीक्यूज के अंदर, और इन एमसीक्यूज के अंदर एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ये 60% एमसीक्यूज तो सही करता है, यानी कि उसके 20 में से 14 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, 15 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, वो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स गवा देता है, यानी कि अपनी 1%। तो उस 1% को मैं रिकवर करने का तरीका बता रहा हूं यहां पे। तो 60% जो आपके पर्टिकुलर एमसीक्यूज आ रहे होते हैं उनको तो हर बच्चा सही कर देता है, अच्छा पढ़ने वाला, जिसके पास क्लास में जो अटेंशन होता है, जो क्लास में फनकारियां नहीं कर रहा होता, जो क्लास में अपनी अटेंशन क्लास के कामों पर रख रहा होता है और दूसरे फजूल कामों में नहीं रखता, तो ये 60% एमसीक्यूज को बच्चा सही कर लेता है। बाकी के जो 40% एमसीक्यूज आते हैं ये अलग पैटर्न पे आते हैं, इस बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा। अच्छा अब ये जो 40% एमसीक्यूज आते हैं ना मेरा बेटा, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आते हैं। ये क्या पैटर्न होता है? ये पैटर्न होता है या तो ये पास पेपर से आ रहे होते हैं या रट्टा बेस्ड होते हैं। सर तो आप इनको कैसे याद करें? मेरा बेटा आपके पास एक 10 ईयर्स नाम की चीज पड़ी भी होगी जो कि आपको अपने करीबी बुक स्टोर से मिल जाएगी। क्या होगी? 10 ईयर्स नाम की। उन 10 ईयर्स के अंदर आपको मैथ के 10 साल पेपर मिल जाएंगे, प्रॉपर पेपर। तो उन 10 साल एमसीक्यूज को याद करना आपका फर्ज है। क्या फर्ज है आपका? याद करना। ये 40% एमसीक्यूज जो आते हैं डिफिकल्ट वाले या मुश्किल वाले, ये 99% टाइम रिपीटेड होते हैं पास पेपर से, यानी कि आपके पास जो
10 ईयर्स होती हैं उनके अंदर से जो आपके 10 साल के मैथ्स के पेपर होंगे उनके एमसीक्यूज याद करना हर बच्चे पे फर्ज है। मैं अपनी पहली क्लास में, चाहे वो मेरी कोचिंग सेंटर में पहली क्लास हो या मैं ग्रुप कोचिंग अपने घर पे दे रहा होता हूँ या जब मैं बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये 40% यानी कि पास पेपर्स के एमसीक्यूज याद करना आपकी जिम्मेदारी है 10 ईयर से सॉल्व करना। अच्छा सर दूसरी क्या तरीका है 40% कवर करने का? मेरा बेटा दुनिया में मुझे नहीं पता आपको इस बारे में इल्म है या नहीं है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको होना चाहिए, और अगर आपको नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी आज से पहले, आपको किसी ने नहीं बताया, तभी तो मेरा बेटा मैंने चैनल स्टार्ट करा है कि उन तमाम बच्चों की हेल्प कर सकूं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादातर नहीं होती। क्योंकि वो बच्चा जो कि बहुत अमीर है उसके पास तो कई तरह की रिसोर्सेज होती हैं, वो कई तरह की महंगे से महंगे ट्यूटर को अफोर्ड करता है। तो अगर अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दिया है, बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों में दिया जाए, तो भाई ये 40% अलग से जो कि नॉर्मली दिसंबर में होते हैं, तो ये आपको सप्ली के पास पेपर्स अलग से होते हैं। तो सप्ली के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एनुअल एग्जाम्स के अंदर, यानी कि सप्ली के जो पेपर दिसंबर में होते हैं वो मार्च में होने वाले एग्जाम्स के लिए बेताशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास पता हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास नहीं पता हो, अगर नहीं पता थी कोई मसले की बात नहीं है, मैं टीचर हूं मैंने आपको बता दी, कोई मसले की बात नहीं है, मेरा फर्ज है इल्म बांटना, मेरा फर्ज है आपको गाइड करना, तो मैंने वो गाइड कर दिया। अच्छा अब ये सप्ली के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? अगर आप किसी नॉर्मल टीचर से पूछोगे बहुत ज्यादा चीजें छुपा रहे होते हैं, या बहुत बार आपके दोस्त या कजन छुपाते हैं अपनी चीजें क्या पता नहीं अगला बंदा आगे ना निकल जाए। अरे अल्लाह के बंदो, इल्म बांटने की चीज है, इल्म अपने पास रख के सड़ाने की चीज नहीं है, इल्म को हमेशा बांटना सीखो। तुम जितना अगले को इल्म दोगे अल्लाह तुम्हें और इल्म देगा, हमेशा याद रखिएगा। तो भाई ये सप्ली के पास जो आपको इजीली दो जगह से मिल सकते हैं, एक जगह प्रैक्टिकल कोचिंग सेंटर के बराबर से बराबर के अंदर कुछ दुकानें हैं वहां से आपको सप्ली के पास मिल सकते हैं। अगर वहां से ना मिले तो मैं गारंटीड एक जगह बता देता हूँ, वहां से आपको लाजमी मिल जाएंगे। अगर आपने डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज देखा हुआ है तो उस डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अंदर कैंटीन है जो डीजे कैंटीन के नाम से मशहूर है पिछले 20 सालों से। मैं खुद चूंकि डीजेरियन हूं तो मैंने वहां से हमेशा परचेज करे, और वहां से आपको इजिली सप्ली के पास पेपर्स मिल जाएंगे। ये पास पेपर का सेट होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2015 के पास पेपर्स 16 के, तो आप वहां से जाकर 8 से 9 पिछले पास पेपर्स ले लें, एंड देन उनके मैथ्स के ना सिर्फ मैथ्स के बल्कि बाकी तमाम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करें। एक पास पेपर आएगा 40 से 50 का होता है। देखो अगर आपने पढ़ना चाहते हो तो इट इज नॉट अ बिग कॉस्ट, आपने मोबाइल भी तो खर्चा लगाते हो ना, अपने मोबाइल के ऊपर अपने ड्रेसिंग के ऊपर भी तो पैसे उड़ाते हो, तो फिर पढ़ाई भी पैसा उड़ाना सीखो। सिर्फ पैसा उड़ाना अपनी फिजिकल स्टेट के ऊपर अच्छा नहीं है, अपनी पढ़ाई भी उड़ाओ पैसा, कि अपनी पढ़ाई में पैसा उड़ाओगे तो वही पैसा तुम्हें कल को मदद करेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आज हमने सेक्शन ए को बहुत डिटेल में डिस्कस करा, यानी कि आज से पहले मेरे ख्याल में आपको किसी ने बताया होगा एमसीक्यूज को कैसे आपने हल करना है। मेरा बेटा है ना सिर्फ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें कंप्लीट मार्क्स देने का, बल्कि जैसे मैंने बताया मेरे हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस एनईडी के अंदर, नस के अंदर, आपको ये मेरे फेसबुक पेज से बहुत इजीली पता चल सकता है, या अगर आपके कोई कजन जिसने आपको ये चैनल रिकमेंड करा है आप उनसे जाके इजीली पूछ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी बहुत जो इज्जत दी है उसकी क्या रीज़न है, कि भाई अगर एक बंदा एक बात कर रहा है उसके पीछे कोई वजन है। कि ना सिर्फ मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैंने खुद उसको अटेम्प्ट किया है, बल्कि जब मैं अपने शागिर्दों को बात बताता हूँ तो उनसे भी अटेम्प्ट करवाता हूँ, उनके भी कंप्लीट मार्क्स आते हैं, ना सिर्फ मैथ्स के अंदर बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरे कोर्सेज के अंदर भी। तो मैं लास्ट के अंदर जल्दी से बताऊं, सेक्शन ए को हम लोगों ने कैसे समझा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम मेजॉरिटी अवाम इसके अंदर अपने मार्क्स को लॉस करते थे। मैंने आपसे क्या कहा, इसके अंदर अपने मार्क्स को लॉस नहीं करना, ये बहुत काम का सेक्शन है। ये एमसीक्यूज 4% के होते हैं मैथ्स के अंदर, सोचो 4% 20 मार्क्स ही है। तो भाई ये एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, दो तरीकों से, 60% वेटेज एंड 40% वेटेज। 60% के अंदर नॉर्मली आपके कोर्स रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा आते हैं भाई, और छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। और 40% नॉर्मली रट्टा बेस होते हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चा फंसता है। और इसको करने की मैंने क्या ट्रिक बताई कि भाई इसको आप दो जगहों से याद करो, एक तो पास पेपर्स के अंदर 10 साल जो मैथ के एमसीक्यूज जो आपके एनुअल के पेपर्स उनके एमसीक्यूज याद करना आप पे फर्ज है, उनको लाजमी याद करोगे, यकीन मानो इन 40 में से 3 या 4 लाजमी सही होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर सप्ली के पास पेपर्स, मैंने कहा अगर आप अपनी ड्रीम रखते हो नस जाने की, अगर आपकी ड्रीम एनईडी जाने की, या आपकी ड्रीम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जाने की है, तो मेरा बेटा वो हंसते खेलते हुए या फेसबुक के ऊपर मीम्स शेयर करते हुए या इंस्टाग्राम के ऊपर फालतू वक्त जाया करके नहीं होती, किस तरीके से होती है, मेहनत करके। तो आपको ये 40% एमसीक्यूज कहां से याद कर रहे होगे जो डिफिकल्ट होते हैं, इधर पास पेपर से, इधर सप्ली के पास पेपर से। और मैंने इन दोनों को हासिल करने का तरीका बता दिया। पास पेपर्स तो आपके नॉर्मली किसी भी आस पड़ोस की दुकान पे अवेलेबल होंगे, और सप्ली के पास पेपर्स
नॉर्मली आपको उर्दू बाजार से मिल सकते हैं, नहीं तो डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में कैंटीन है, डिस्कॉल्ड डीजे कैंटीन, वहां से इजी ले सकते हो। भाई मेरा डीजे साइंस कॉलेज से डीजे कैंटीन से कोई वास्ता नहीं है, या मेरा कोई उनसे प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा हुआ कि नहीं पब्लिसिटी कर रहा हूँ। पब्लिसिटी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैंने खुद वहां से इलम हासिल किया, मैंने वो तालीम ली वहां से, या मुझे पता वहां से मिलते, तो आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ आप भी वहां से आके परचेस करें, बैठ के पढ़ें। ये आपका फर्ज है कि अगर आप एक चीज सीखें तो दूसरों को जरूर पहुंचाएं। तो आई गेस हमने सेक्शन ए बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स ऑन द सेक्शन बी। मेरा बेटा सेक्शन बी मैथ्स का जो पैटर्न है आपके पास, उसमें जब सेक्शन बी आपके पास आएगा उसमें बड़ा बड़ा पहले तो एक नोट लिखा हुआ होगा, अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन सेक्शन एंड वन क्वेश्चन इज ऑफ योर चॉइस। अच्छा इसका क्या मतलब है? चले मैं आपको इस पर्टिकुलर बात करने से पहले मजे की बात बताता हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले का जो पेपर पैटर्न होता था मैथ्स का, वो ये होता था कि सेक्शन बी के अंदर बड़े मजे से 15 क्वेश्चन होते थे, उनमें से कोई से भी 10 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। यानी कि सेक्शन बी में क्या होता था, कोई से भी 15 क्वेश्चन होते थे, कोई से भी 15, और उनमें से कोई से भी आपको 10 अटेम्प्ट करने होते थे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो आपको कितने मार्क्स बन जाते थे सेक्शन बी में? 50 मार्क्स। मगर 2018-17 में जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला और कुछ बच्चों को लॉस हुआ। लॉस ना पढ़ने वाले बच्चे के लिए हुआ है, बेनिफिट अच्छा पढ़ने वाले बच्चे के लिए। कैसे, मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे नहीं ख्याल में आपने कभी किसी से इसके बारे में सुना भी होगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, तभी तो आगे जाके समझोगे, तभी आपको पता होगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और एक अच्छा बच्चा वो है जिसको अपने पेपर में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो। अच्छा, पहले ये पेपर पैटर्न होता था कोई से भी 15 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से भी आंखें बंद करके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने और आपका सेक्शन भी सही हो जाएगा। बट अब ऐसा नहीं होता, ये कैंसिल आउट हो गया ये वाला पेपर। अब जो नया पेपर पैटर्न आया वो ये है कि भाई सेक्शन बी फर्दर 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। जो सेक्शन बी है आपका, ये फर्दर 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज सब सेक्शन ए, अनदर वन इज सब सेक्शन बी, एंड अनदर वन इज सब सेक्शन सी। हर सब सेक्शन के अंदर 5-5 क्वेश्चन है, हर सब सेक्शन के अंदर 5-5 क्वेश्चन होंगे, और आपको हर सब सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सर वेट अ मिनट, आपने कहा 50 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो सर अगर मैं हम हर सेक्शन से 3-3 करेंगे तो सर ये तो 9 बन जाएंगे। तो सर यानी कि आपकी मैथ तो हमसे भी खराब है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, देखो मेरा बेटा, मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी फिजिकल क्लास का मोमेंटम रखता हूँ। मैं हद तो इम्कान कोशिश करता हूँ कि बेसिक बच्चे की माइंड सेट के ऊपर अपने लेक्चर्स को डिलीवर करूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ने थोड़ी बहुत नॉलेज दी है, उसको करता हूँ भाई। अच्छा, तो मेरा बेटा इसलिए यहाँ पे एक नोट लिखा जाता है। पहले मैं सेक्शन बी को डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ, जो नया पेपर पैटर्न आपके पास आया उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि भाई आपका सेक्शन बी 3 सब सेक्शन में डिवाइड होगा। यानी कि सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी एंड सब सेक्शन सी, हर सब सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको हर सब सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन निकालने होंगे कंपलसरी। और एक क्वेश्चन जो बच जाएगा वो आपकी चॉइस होगी, किसी भी सब सेक्शन के अंदर से अटेम्प्ट कर लो। सर ये बात तो हमारे फलाना टीचर जिससे हमने पढ़ा था, या फलाना ट्यूशन वाली बाजी, या फलाना ट्यूशन वाले बाजे जो मेरे घर के पास रहते हैं, या मशहूर जमाना टीचर है, हमने उनसे पढ़ी थी, उन्होंने भी हमें सिखा दी थी। तो आपने इसमें क्या कमाल कर लिया ऐसा? मेरा बेटा कमाल मैं भी आपको बताता हूं इस पेपर पैटर्न का फायदा क्या है। पहले तो आई गेस आपने समझ में आ गया कि हर सब सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन चॉइस होगी वो आपको इन तीनों में से किसी एक से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि किसी एक सब सेक्शन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बाकी 2 से 3-3 अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपके टोटल कितने बन जाए, 10 बन जाए। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर पैटर्न का फायदा क्या है? एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा है, मैं भी बता देता हूं। बेसिकली अब ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सब सेक्शन ए में, सब सेक्शन बी में, सब सेक्शन सी में, 2017 के पेपर पैटर्न के बाद इनको डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता सब सेक्शन ए के अंदर कोई भी टॉपिक उठा के आ जाए, सब सेक्शन बी में कोई भी टॉपिक उठा के आ जाए। यानी कि जो 5 क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक से ऊपर आएंगे, और इनके लिए जो टॉपिक डिफाइन किए गए वो एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड वेक्टर्स को कर दिया गया। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 9, जिसको हम स्टार्टिंग में इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 और 3 के ऊपर आप मेरे पहले वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, सब सेक्शन ए जो आपके पास आ रहा है, ये सब सेक्शन ए जो आपके पास आ रहा है, इसके जो 5 क्वेश्चन आएंगे खाली इन्हीं टॉपिक से आएंगे, यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से और वेक्टर से। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है, मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। नहीं तो आप मेरी एप्टीट्यूड के अंदर भी एनालिटिकल ज्योमेट्री पहली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और वहां से आके मेरे रिव्यूज भी देख सकेंगे आप। तो क्या चैप्टर, क्या आपके पास सब सेक्शन ए होगा? भाई इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये 5 क्वेश्चन किन टॉपिक से होंगे? चैप्टर नंबर 2 से 3 से और 9 से। अब इसमें सर बेनिफिट क्या है? मेरा बेटा बेनिफिट ये है कि भाई आपको उसने बता दिया कि आपके जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं खाली वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। देन कम सब सेक्शन बी। अब अगेन सब सेक्शन बी जो आपके पास होता है, कॉनिक सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा? कॉनिक सेक्शन। अच्छा,
फोनिक्स सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स का क्या तारुफ होता है, क्या नाम होता है, वो होते हैं चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 इज सर्कल, चैप्टर नंबर 8 इज पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। तो क्या होता है, सब सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे, वो कॉनिक्स सेक्शन से आ रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 होगा सर्कल्स का और चैप्टर नंबर 8 होगा जो पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स होता है। सर ये क्या नाम लिया आपने, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स। सर ये तो नाम सुनते ही हमें बेहोशी आ रही है। मेरा बेटा नहीं बेहोश होना, मुझसे पढ़ोगे मैं हर चीज को बहुत इजी वे में क्लियर करता हूँ। अगेन अगर मैं बार बार अपने एप्टीट्यूड का हवाला देता हूँ, उसकी रीजन क्या है, आप मुझे चूंकि पर्सनली नहीं जानते, आप ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले रहे होगे इंशाल्लाह यूट्यूब के थ्रू, तो चूंकि आप मुझे पर्सनली नहीं जानते तो मेरे पास अपनी बात को प्रूफ करने का, अपनी वर्थ को प्रूफ करने का सिर्फ एक जरिया ये हो सकता है कि आपको बार बार रिकमेंड करूँ। क्या मेरी एक बार जाकर वीडियोज लाजमी देखिएगा कि उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा मैं किस लेवल से तमाम टॉपिक को क्लियर करवाता हूँ। असल में चैप्टर नंबर 8 मुश्किल चैप्टर है। बच्चे समझते हैं कि भाई मेजोरिटी कराची की जो आवाम होती है, सिंध की जो आवाम होती है, या इंटीरियर की जो आवाम होती है, या भाई जो भी आपके पास टॉपिक्स पढ़े होते हैं, या इंटर का जो बच्चा होता है, वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बाद किसी टॉपिक को अपना दुश्मन समझता है, तो वो चैप्टर नंबर 8 होता है पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स। मगर टेंशन नहीं लेनी, मुझसे पढ़ लो ना, इंशाल्लाह इसको बहुत प्यार से क्लियर करवाऊंगा बहुत तरीके से, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा, देन कम्स फेमस सब सेक्शन सी। समझ तो गए होगे यहाँ पे अब क्या होगा। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी अभी तक पढ़ा है, या कुछ बड़े बहन भाइयों ने गाइड करा है कि सेकंड ईयर पेपर में क्या आता है, तो समझ तो गए होगे सब सेक्शन में क्या होगा, आई गेस पता तो चल गया होगा। ये सब सेक्शन सी का नाम होता है कैलकुलस। क्या नाम होता है, कैलकुलस। क्या नाम होता है, कैलकुलस। इसके अंदर कुछ मशहूर चैप्टर्स होते हैं जिनका जब नाम अभी मैं लिखा नहीं है बट समझ तो गए होगे तुम लोग। एक होता है चैप्टर नंबर 1, एक होता है चैप्टर नंबर 4, एक होता है चैप्टर नंबर 5, एक होता है चैप्टर नंबर 6। ये जो सब सेक्शन सी होता है, ये हर इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए एक भयानक ख्वाब होता है। एक ऐसा भयानक ख्वाब होता है जिसको ना वो निगल सकता है, ना मुंह में डालने की कोशिश कर रहा होता है। क्यों? पढ़ने का शौक भी नहीं है और इसको क्लियर भी करना चाह रहे हैं सब सेक्शन को। ये सब सेक्शन सी जो है कैलकुलस का, कैलकुलस मेरा बेटा एक आसान जबान में बता दूं तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स की कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं हायर मैथ्स के अंदर, यानी कि इंजीनियरिंग की जो मैथ्स होती है हायर मैथ्स। ये इंशाल्लाह जब जिंदगी में आगे इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे तो वहां पे आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं कैलकुलस के। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है ना सिर्फ इंजीनियरिंग के मैथ्स का खौफ नहीं होते, एक बिजनेस स्टूडेंट का भी खौफ होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट भी खौफ होते हैं। सर आपने क्या कहा, मेडिकल स्टूडेंट का खौफ होते हैं? जी हाँ मेरा बेटा, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स या वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कि अपने 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ते ना, इस खौफ से कि हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते, अल्लाह अल्लाह इतनी मुश्किल मैथ्स होती है, यकीन मानो उनके पहले साल MBBS के अंदर या DBT के अंदर फार्मेसी के अंदर पहले साल उनकी मैथ्स इन्वॉल्व होती है। शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, बट अगर आपके बड़े बहन भाई मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह मौजूद होंगे, आप उनसे जरूर पूछ लेगा अगर वो MBBS कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह डॉ की लड़कियों का पूरा बैच पढ़ाया था, डॉ ओजा कैंपस की, जिसके अंदर मैंने अल्लाह की मदियों को पूरे के पूरे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट सिखाए थे। कहने का मकसद क्या है कि भाई वो मैथ्स अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से वो बच्चे भाग रहे होते हैं ना, तो भाई तुम्हें नहीं भागना, तुम्हारे तो फूलों का हार होता है ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अगर मुझसे पढ़ोगे मैं इतनी गारंटी देता हूँ मैं बहुत तरीके से क्लियर करवाऊंगा। अगेन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अपनी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पुरानी वीडियोस पर, इंशाल्लाह डेरिवेटिव को बहुत जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2-3 के बाद, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं अपने मुंह से बड़ी तारीफ नहीं करता, बट मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत नॉलेज दी है वो बच्चों को समझ में आती है, तो ये डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आज से पहले आप डरते रहे तो आपको इतनी रिकमेंडेशन करता हूँ, काइंडली वेट कर लो 2 महीने, जब चैप्टर नंबर 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन इंशाल्लाह हम लोग देन किसके ऊपर जाएंगे, कैलकुलस वाले पार्ट को, यानी कि चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बच्चों ने पता नहीं बयाना ख्वाब बना के रखा होता है, पता नहीं समझते क्या चीज है। अरे अल्लाह के बंदो, बहुत आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का फूलों का ताज या फूलों का बिछोना होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अगर पढ़ाने वाला भी सिंसियर हो, पढ़ने वाला भी सिंसियर हो, ओपनली कहता हूं, अगर ना पढ़ने का तुम शौक रख रहे हो या पढ़ाने वाला भी तुम्हारे साथ फंकारी कर रहा है, तब समझ में नहीं आती, तब फिर बच्चे यही कहते हैं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुश्किल है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया। आज अगर मैं आगे बांटता हूँ उस इल्म को, उसकी बेसिक रीजन क्या है, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। तो आई गेस सब सेक्शन भी आपको इजीली समझ में आ गया कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सेक्शन बी को अब जो नए पेपर पैटर्न में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी एंड सब सेक्शन सी। सब सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने, और एक किस टॉपिक से होंगे, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन से, चैप्टर नंबर 3
अगेन ये स्ट्रेट लाइन कॉन्ग्रुएंट डी लाइन से टॉपिक होता है एंड चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स के अंदर से। सब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, अगेन कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और ये किससे होंगे, कॉनिक सेक्शन से, यानी कि सर्कल्स और पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स से। देन सब सेक्शन सी कम्स, अगेन इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और इन 5 क्वेश्चन में कोई से भी 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये कैलकुलस का सेक्शन होगा, यानी कि इसमें चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स होगा, चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स होगा, चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन डेरिवेटिव होगा एंड चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन होगा, जिसका एक और मशहूर जमाना नाम एंटी डेरिवेटिव्स होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं लास्ट में रिव्यू में बता दूं कि भाई किस तरह अटेम्प्ट करना होगा सेक्शन नंबर बी, हर सब सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, 9, और एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी, वो आप किसी भी सब सेक्शन से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके टोटल टैली क्या बन जाए, 10 की, एंड देन आपके इजिली 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 5 10 50 हो जाएंगे मार्क्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक गलती लाजमी बताऊंगा जो कि नॉर्मली बच्चे ने इस पेपर पैटर्न के आने के बाद आज तक करी है, ये वो गलती है जो कि मैं रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा देखता हूँ, बच्चा पेपर पैटर्न पढ़े बगैर जाता है, बच्चा समझे बगैर जाता है। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ कि बच्चा एग्जॉस्टेड होता है एंड सो ऑन, बट मेरा बेटा वो बच्चा जिसकी कई ड्रीम होती है, जिसकी ड्रीम होती है नर्स जाना, जिसकी ड्रीम होती है एनडी जाना, वो जरूर सेकंड ईयर के पेपर में परेशान होता है, क्योंकि उसको पता होता है आगे क्या मार्क आने वाले हैं, उसको पता होता है आगे क्या डेस्टिनेशन आने वाली है। तो यहाँ पे एक गलती मेजोरिटी आवाम करती है, वो क्या करती है कि भाई हर सब सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन तो निकाल लेती है, मगर वो जो एक क्वेश्चन और होता है ना वो भूल जाती है। अबे अल्लाह के बंदो, बड़ा बड़ा नोट लिखा हुआ होगा सेक्शन बी के नीचे कि हर सब सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और एक क्वेश्चन लाजमी आपने किसी भी सब सेक्शन अटेम्प्ट करने एक्स्ट्रा, यानी कि 4 क्वेश्चन किसी एक सब सेक्शन से करने और बाकी 2 से 3-3 करने, ताकि टैली क्या बन जाए आपकी 10 की। तो एक गलती आज पहले दिन अपने लेक्चर डिलीवर करते हुए कह रहा हूं कि एक गलती जो मेजॉरिटी आवाम करती है वो ये करती है कि भाई 3-3 क्वेश्चन तो हर सब सेक्शन से निकाल लेती है, मगर उस एक क्वेश्चन को करना भूल जाती है, उस एक क्वेश्चन को याद करना जहन में नहीं रहता, या फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को लेकर इतनी परेशान हुई होती है भूल जाती है। तो आपने गलती नहीं करनी है, क्लियर है मेरी बात यहां तक। आइए अब सेक्शन सी पे पढ़ते हैं। अब सेक्शन सी जो आ रहा है इसके बारे में आपको आइडिया तो हो गया होगा कि सेकंड ईयर मैथ्स में क्या फनकारी हुई थी सेक्शन सी के अंदर पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद। अगर आपके बड़े बहन भाई थे जो 2015-2014 में क्लियर करा, तो उस वक्त फनकारी नहीं होती थी, यानी कि उस वक्त इंटीग्रेशन कंपलसरी नहीं की गई थी, मगर 2018 के पेपर पैटर्न के बाद, 17 के पेपर पैटर्न के बाद इंटीग्रेशन को कंपलसरी करार दे दिया गया था और वो डिटेल में की गई थी, और ये डिटेल में इंटीग्रेशन 16 मार्क्स की कंपलसरी कर दी गई। कहने का मकसद क्या है, आधी आवाम ऐसे टीचर से इंटीग्रेशन पढ़ती है, या तो उन्हें टीचर की समझ में नहीं आती, या बच्चे को या टीचर को उनकी समझ में नहीं आती, जिसकी बिना के ऊपर वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को पता नहीं क्या समझते हैं, वो खौफनाक समझते हैं। बट बिलीव मी जब एज ए टीचर मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं कि मुश्किल चीज नहीं है, अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे आसान चीज है, बट बच्चों को मुश्किल लगती है एंड देन उन्होंने फजूल की बेपढ़ की उराई भी होती है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत मुश्किल है, और उसी के नतीजे के अंदर सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न के अंदर आपके पास सेक्शन सी में एक क्वेश्चन कंपलसरी करार दे दिए गए इस पेपर पैटर्न के अंदर, यानी कि वो इंटीग्रेशन जो आज से हमारे से पहले वाले जो भाई बड़े बहन भाई होते थे वो छोड़ के चले जाते थे, वो अब छोड़ नहीं सकते। उसकी बड़ी रीजन ये आई थी कि एक बहुत बड़ा तबका जो कि सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर के अंदर 90 अबव मार्क्स ले रहा था, वो इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़े बगैर जाता था, एंड देन उसको बाद में यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, सेम गोज फॉर द बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, वहां भी फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस का कोर्स है, तो हर जगह कैलकुलस कोर्स आएगा, चाहे मेडिकल में भाग जाओ, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ो, चाहे बिजनेस में भागो, हर जगह कैलकुलस का कोर्स लाजमी आएगा। तो इंटीग्रेशन एक बार समझ लो, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें डसता रहेगा सांप, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़े बगैर जाती थी, तो HEC की तरफ से रिकमेंडेशन की गई थी, जिसके बाद से सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी हुआ, और वो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ करेंगे। कौन से क्वेश्चन कंपलसरी करा दिए गए थे, ये वाले, ये क्वेश्चन अब कंपलसरी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा डिटेल से और प्यार समझा देता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये 16 मार्क्स का पेपर में आता है। कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी भी, या इंटीग्रेशन को आप चॉइस पे छोड़कर आप जाते हैं, तो आपके 16 मार्क्स डायरेक्टली डिडक्ट हो गए, और शॉर्ट के अंदर भी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आई भी होगी, तो एक आध मार्क्स वहां से भी आपका निकलेगा, या एमसीक्यूज के तो निकलेगा, क्योंकि एमसीक्यूज में लास्ट में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कोई ना कोई डाला जाता है। तो कहने का मकसद क्या है, सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर दिया गया, कंपलसरी, और ये कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। इसको मैं जरा और डिफाइन कर देता हूं, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ये इंटीग्रेशन की डिफरेंट एक्सरसाइज से आ रहा होगा। इसमें नॉर्मली 6 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट होते हैं, जिनमें से आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं।
ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स, तो 4 4 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट होंगे, 5 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, इन 6 में से आपको चॉइस दी जाती है कोई भी 4 अटेम्प्ट करने की, और 2 के ऊपर चॉइस होगी, तो इन 6 में से 4 अटेम्प्ट करने होंगे, और ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 टोटल कितने मार्क्स होगा, 16 मार्क्स का, और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है ओपनली कहता हूं, इसमें 6.2 6.4 5 6 7 8 9 उससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जब मैं इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर एक्सरसाइज भी बताऊंगा कौन सी शॉर्ट में आती है, कौन सी डिटेल में आती है, और वो कंफर्म बात होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है अगर आप समझना चाहो। क्या कहा मैंने आपसे, क्या कहा मेरा बेटा, मैंने आपसे सिंपल सी बात करी कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पार्ट्स आएंगे, 6 पार्ट्स आएंगे, 6 में से 4 अटेम्प्ट करने होंगे, और 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स, तो 4 4 का कितना होगा, 16 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर क्या होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे डिटेल पार्ट में, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा, यानी कि एक क्वेश्चन खाली आपको चॉइस मिला करेगी। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के भी फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड क्वेश्चन नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, और एक हुआ क्वेश्चन नंबर 6 ए और दूसरा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6 बी। सेम गोज फॉर हियर, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स होंगे, एक हुआ क्वेश्चन नंबर 7 ए और एक क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 7 बी। अच्छा, अब आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लोगे, मैं अपने आपको अच्छा टीचर नहीं कहता, मैं थोड़ा बहुत एक नॉर्मली एक इंसान हूँ जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट कोई भी एक अच्छा टीचर होगा जो रिसेंट ईयर्स के पेपर पैटर्न देखता रहा होगा, वो आपको इन क्वेश्चन में आने वाले चैप्टर्स भी बता सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत पढ़ाने का इत्तेफाक रहा, अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज्जत दी, थोड़ी बहुत कोचिंग सेंटर से पढ़ा देता हूँ भाई, तो थोड़ा बहुत रीसेंट ईयर्स के अंदर आने वाला अंदाज पता है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए होता है, ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए होगा, इधर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का डिटेल पार्ट होगा, या चैप्टर नंबर 3 से आने वाला डिटेल क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी होता है, ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 8 से आता है, यानी कि पैराबोला चैप्टर नंबर 8 आपके पास पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स से आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए होता है, चैप्टर नंबर 2 से आता है या फिर चैप्टर नंबर 3 से आता है, और क्वेश्चन नंबर तो जो पार्ट बी होता है, ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 8 से आता है। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए होता है, ये हमेशा चैप्टर नंबर 2 से देखा गया कि पेपर में आया, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का डिटेल कोई क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में आ रहा होता है, और 7 के पार्ट बी के अंदर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। किससे आता है, डेरिवेटिव से या फिर इंटीग्रेशन से। तो ऑल इन ऑल अगर मैं लास्ट के अंदर बहुत डिटेल में सेक्शन सी को और थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं आपको कि भाई सेक्शन सी कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा। सेक्शन सी में नॉर्मली 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको 3 में से कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5 या इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, तो कितने की चॉइस होगी, इन दोनों में से कोई एक और अटेम्प्ट करना होगा करेगा। क्या कहा मैंने, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 में से 2 तो लाजमी अटेम्प्ट करने ही करने, जिनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि इंटीग्रेशन वाला, और ये जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का, और 16 मार्क्स इस क्वेश्चन में 6 पार्ट होंगे, 6 में से कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे, और बाकी के दोनों क्वेश्चन 14-14 मार्क्स से होंगे, ताकि 30 मार्क्स की टैली पूरी हो सके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करो, 7 को अटेम्प्ट करो, 5 को तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड पार्ट बी, बोथ क्वेश्चन विल कैरी 7-7 मार्क्स, तभी 14 मार्क्स का एक ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए जो होता है नॉर्मली चैप्टर नंबर 2 और 3 से आ रहा होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी चैप्टर नंबर 8 से आ रहा होता है। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ये नॉर्मली 7 का पार्ट ए चैप्टर नंबर 2 से आ रहा होता है, और 7 का पार्ट बी चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 से आ रहा होता है। तो अगर हम लोगों ने इस पेपर पैटर्न को, मेरा बेटा, मैंने इतनी डिटेल में आपको डिस्कस करवाया है, उसके पीछे रीजन क्या है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करो और समझो कि आपका पेपर पैटर्न या कोर्स आउटलाइन क्या चीज है। हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग से लेकर मैंने एक एक बात आपको बताई, वो बात जो शायद आपने ना तो कभी सुनी होगी या फिर शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, जब आपके हो सकता है टीचर आपको बता रहे हो कि सेक्शन ए कितना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज का, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में क्या होता है और सेक्शन सी में क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन बताई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो आपको एटलीस्ट अगर उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, आपको उसके प्रॉपर सिलेबस का और उस पर्टिकुलर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन सब का आइडिया होना चाहिए। तो हमने इसको बहुत तरीके से डिस्कस करा, इंशाल्लाह आई गेस आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इस कमिंग वीक से हम लोग मैं चैप्टर नंबर 2 से अपने सेकंड ईयर मैथ्स को स्टार्ट करूंगा, एंड देन सेकंड ईयर मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। आपको ये वीडियो जब भी मिलती है उसके कुछ ही दिन के अंदर, इनके 2-3 दिन के अंदर प्रॉपर चैप्टर नंबर 2 के मैं लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। हर हफ्ते 3 लेक्चर से 2 लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड किया करूंगा, ताकि मेरा स्टूडेंट बैठ के पढ़ना स्टार्ट करे, और वो स्टूडेंट्स जो कि पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ता था उसे ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, तो आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप इजीली मुझसे पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, और आप यहां से इजीली तालीम हासिल कर सकते हो। भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद, पहली वीडियो थी, इसको बनाने का मकसद क्या था, पेपर पैटर्न डिस्कस करना। इंशाल्लाह
अब मैं बहुत जल्द लेक्चर स्टार्ट करूंगा, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में जरूर याद रखिएगा। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच।